प्रभु बस इतनी कृपा करना, आज शादी में हमारे घर के लोगों पे कोई विपता ना आए, उसके बाद हम प्रण लेते हैं। हम जान दे देंगे मगर इस घर की बेटियों पर आज नहीं आने देंगे। आज मैं प्रण ले हूं। आज का दिन स्वर्ण भवन में खुशियों का आखिरी दिन होगा। आज के बाद स्वर्ण भवन में रहने वाले लोगों का जीवन में बस दुख और मुसीबत होगी। स्वर्ण भवन में रहने वाले लोगों की रक्षा करना भगवान। इन कुछ सालों में आभा की वजह से मैं भी उनके सुख दुख में शामिल हो गई हूँ। आभा और वो शक्ति जो आप उसे भविष्य में प्रदान करने वाले हैं इस प्रलय से लड़ने के लिए, उन दोनों की रक्षा करने की मैं हर संभव कोशिश करूंगी। प्रियंका को गृह प्रवेश को नहीं हुआ है, बल्कि मारे सागे सागे इन सब के बुरे बखत को गृह प्रवेश हुआ है। बस कुछ दिन और, फिर तुम सबको मैं तुम्हारी असली जगह पर पहुंचा दूंगी। सड़क पर होगे तुम लोग, ये वादा है मेरा। किशोर भवन, अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? शाम जी बहू रानी। हाँ, इन्हें सर्वेंट क्वार्टर्स ले जाओ। आइए। चंद्र प्रभात कनिका को इतना तेज बुखार है तो डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बुलवाया आपने? डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी दी है। अरे तो फिर बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? हम पट्टियाँ लगा रहे हैं, ठीक हो जाएगी वो, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये आपको साधारण सा बुखार लग रहा है चंद्र प्रभात, लेकिन हम जानते हैं कल जो हुआ उसके बाद स्वर्ण भवन की किसी भी बेटी के साथ हो रही छोटी से छोटी घटना किसी बहुत बड़े अशुभ का संकेत दे रही है। ये सफेद लाइन कैसी है? कैमरा खराब था क्या? सिर्फ ये बेटियों की फोटोग्राफ्स पे क्यों? देखिए, अजीब बात है। ये देखिए सफेद लकी, ये सिर्फ हमारे और कनिका हमारे चेहरे पर है, देखिए भाभी के चेहरे पर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरी शक्तियों का असर बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द वो दो पन्नों को पढ़ना होगा और पता लगाना होगा उसमें लिखा क्या है। वो लोग प्रियंका को लेके मंदिर जा रहे हैं, तुम कोई बहाना बना के वो पन्ने पढ़ डालो, सबसे अच्छा रहेगा। ये कौन से पन्ने हैं जिनकी बात कर रहे थे ये, जो सबसे छुपा कर पढ़ने हैं आभा को? हमें वो पन्ने पढ़ने होंगे इससे पहले कि स्वर्ण भवन की किसी बेटी पर और कोई मुसीबत आए।